इंडियन पब्लिक हर्ष कंडी स्कूल भैरव चौराहा तितिला। ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगले दिन हम भारतेंदु जी के विषय में बताए थे, अब आज हम द्विवेदी युग के विषय में बता रहे हैं। द्विवेदी युग, इसका समय आपको पहले भी बताया गया है कि सन 1900 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु जी के बाद द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान दिया, उसके विषय में हम आपको बतला रहे हैं। भारतेंदु जी के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका योगदान कैसा था उसके आगे हम बताते हैं कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य का परिष्कार और परिमार्जन किया। हिंदी गद्य का परिष्कार और परिमार्जन किया। हिंदी गद्य को शुद्ध और व्याकरण सम्मत बनाया। उनकी प्रेरणा से अनेक लेखक मैदान में आए। इस युग में अनेक भाषा शैलियों का जन्म हुआ और गद्य की विविध विधाओं का विकास हुआ। यहां पे आप विविध विधाओं, विधाओं का मतलब आपको हम यही बता दें संक्षेप में कि गद्य लिखने के तरीके, शैलियां, उसको हम आगे कल से बताएंगे कि ये विधाएं क्या हैं। तो गद्य की विविध विधाओं का विकास हुआ। द्विवेदी जी के इस योगदान के कारण ही इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। अब हम द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले, इस युग में विविध भाषा शैलियों का जन्म हुआ। द्विवेदी युग में अनेक प्रकार की शैलियों का जन्म हुआ, अर्थात द्विवेदी युग के लेखक अनेक शैलियों में अपनी रचनाएं की। गद्य के विविध रूपों का विकास हुआ। इस युग में अनेक विधाओं में लेखकों ने अपनी रचना की। भाषा का परिमार्जन हुआ। भाषा में जो त्रुटियां थी, जो दोष था, उसमें सुधार हुआ। इसके अलावा भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि हुई। इस युग के गद्य में जो भाषा के प्राचीनतम शब्द थे, उन शब्दों के स्थान पर नए नए शब्दों का प्रयोग हुआ। धन्यवाद।